हमारी छोटी सूचना पर सभी प्रिंट मीडिया के लोग उपस्थित हुए। इसको हम सारे लोगों को समाजवादी पार्टी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक जो ये चुनाव की प्रक्रिया चली है उसमें प्रशासन के तरफ से हमको कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं किया गया और प्रशासन का रवैया हमारे प्रति बहुत ही अच्छा रहा। प्रशासन के द्वारा कहीं कोई गलतफहमी नहीं की गई, लेकिन जैसी कि सूचना मिल रही है कि हमारे कुछ बीडीसी सदस्य जो अनपढ़ थे और अनपढ़ बीडीसी सदस्यों को इस देश के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में भी जहां एकल संक्रमणी पद्धति के तहत चुनाव होता है वहां सहवर्ती दिया जाता है, वहां कंपेनियन दिया जाता है, लेकिन विरोधी इतने हताश और निराश हैं, इतने हताश निराश हैं कि उनका कोई कंपेनियन है नहीं, जो 7 लोग निरक्षर हैं उनके कंपेनियन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मानते हैं वो चाहे जितनी साजिश कर लें, चाहे 7 को रोक लें चाहे 17 को रोक लेंगे, विरोधियों की कहीं कोई साजिश सफल होने वाली नहीं है। लेकिन इस तरह से जो एक बीडीसी सदस्यों का मौलिक अधिकार है कि जो अनपढ़ हो वो अगर एमएलए हो एमपी हो तब भी राष्ट्रपति के चुनाव में वो सहायक ले सकता है, लेकिन ऐसी सूचनाएं अभी हम क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसी सूचनाएं हमको मिल रही हैं कि उनको सहवर्ती नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये बापू के लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या होगी, बहुत बड़ी हत्या होगी। रही बात कल चुनाव है, हम लोग चाहेंगे कि यहाँ 22 दिसंबर 2010 को कुछ मन चले लोगों ने बहुत बड़ी घटना कर दी थी जिसमें 2 लोग मारे गए थे, 4 लोग घायल हुए। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि वही अराजक तत्व पुनः कुछ इस तरह से नादानी हरकत कर सकते हैं, तो आपके माध्यम से हम थानाध्यक्ष महोदय को, क्षेत्राधिकारी महोदय को, कप्तान साहब को, डीआईजी साहब को, आईजी साहब को, डीजी साहब को ये सूचित करना चाहते हैं कि कल हमारे बीडीसी सदस्यों को लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग के लिए इतनी सुरक्षा मुहैया करा दें कि जिस तरह से नामांकन शांतिपूर्ण संपन्न हो गया उसी तरह से कल मतदान भी शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। नहीं तो यहाँ कल गांव-गांव से लोग चल करके ये अतरौलिया ब्लॉक पे विगत 40 वर्षों से हमारे परिवार को सेवा करने का अवसर मिला है और कल अतरौलिया ब्लॉक की महान जनता बड़ी संख्या में उसमें प्रतिभाग करने के लिए आएगी। इस नाते प्रशासन से आपके माध्यम से हमने फैक्स के माध्यम से डीजीपी आईजी दूरभाष पर एसओ सीओ एसएसपी को सूचित कर दिया है कि कल चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराइए, तो हम आपके माध्यम से भी इस बात को बता रहे हैं कि कल चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।